गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, चेंजिंग टाइम्स। हियर इज़ द न्यू टॉपिक, सीइंग न्यू थिंग्स, यानी कि चेतन दास को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस देखने को मौका मिला, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स देखने को मिला। तो हियर इट इज़ रिटन, माई यंगर सन मोंटू मूव टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब दे। यानी कि चेतन दास कह रहा है कि मेरा जो बड़ा बेटा मोंटू है वो दिल्ली गया क्योंकि उसे वहाँ पर जॉब मिली थी। नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली, यानी कि अब वहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहता है। सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू फॉर द सम मंथ्स इन ए ईयर, यानी कि चेतन दास कह रहा है कि मैं अपनी वाइफ सुमन के साथ मोंटू के पास कुछ महीनों तक रुका था। एंड विद राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, और राजू के साथ मैं सोना में कुछ महीनों तक रुका था। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना, यानी कि कह रहा है कि दिल्ली से सोना के रास्ते में वी गो थ्रू गुरुग्राम, और हम लोग गुरुग्राम होके गुजरे। सो मेनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर, अब वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग आ चुके हैं। अ फ्यू ईयर्स अगो, यानी कि कुछ साल पहले राजू रेनोवेटेड द टॉयलेट, यानी कि कुछ साल पहले राजू ने अपना टॉयलेट का इनोवेशन कराया है, ठीक है, यानी कि टॉयलेट को रिपेयर कराया होगा उसने। डिफरेंट टाइल्स यूज़ किए होंगे, शॉवर यूज़ किए होंगे, टैप्स यूज़ किए होंगे, वॉश बेसिन यूज़ किए होंगे। ही यूज कलर टाइल्स इन हिज बाथरूम, में उसने अपने बाथरूम में कलर टाइल्स यूज़ किया था। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव बाथ, यानी कि उसने बाथरूम के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए। आई एम नाउ 70 years old, यानी कि मैं अभी 70 साल का हो चुका हूँ। इन ऑल दिस ईयर्स, यानी कि इन सालों में आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, यानी कि इन सालों में मुझे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला। इवन इन माई ओन हाउस, यानी कि मुझे अपने घर में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला। I do not know where my grandchildren will want to live. मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे grandchildren कहाँ रहेंगे। And how their house will be, और उनका घर कैसा होगा। I wonder what the house are like in Dera Kazi Khan today. मैं ये imagine कर रहा हूँ कि आज के समय में डेरा काजी खान के घर कैसे होंगे। And how about all my friends, where will they live? यानी कि और जो मेरे friends हैं वो कहाँ रहेंगे और किस तरह के घर में रह रहे होंगे। हियर आर मेनी क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट मटेरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग इन योर हाउस, यानी कि आप कौन कौन से मटेरियल्स आपके घर बनाने में यूज होता है। तो यू माइट हैव यूज ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड्स, मार्बल, चिप्स, ग्लास, ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइन आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड, इज देर एनी डिफरेंस राइट अबाउट इट, यानी कि आपके फ्रेंड के घर बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज हुआ है। तो यू कैन कंसल्ट फ्रॉम योर फ्रेंड एंड देन राइट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वॉट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रेन विल लिव इन, यानी कि चेतन दास के ग्रैंड चिल्ड्रेन किस तरह के घर में रहेंगे। तो दे माइट लिव इन ग्लास हाउस, मार्बल्ड हाउस और एयर कंडीशन हाउस, ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट्स डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस। हियर आर सम अदर क्वेश्चंस। वेर वुड यू लाइक टू लिव वेन यू ग्रो अप, वॉट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, यानी कि जब आप बड़े होंगे तो आप कहाँ रहना चाहेंगे और किस तरह के घर में रहना चाहेंगे। तो ये आपका ओपिनियन होगा कि आप जब बड़े होंगे तो आपको कौन से प्लेस पर आपको रहना है और घर आपके क्या वेल इक्विप्ड वेल फिल फैसिलिटीज़ के साथ आपको घर चाहिए होगा। तो आप अपना ओपिनियन लिखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू हैड रिटेन अबाउट दिस थिंग्स डैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ, हैज सम ऑफ दिस मटेरियल बीन यूज इन योर हाउस, नेम देम। कह रहा है क्या कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर बनाने में कौन से मटेरियल उन्होंने यूज़ किया था। तो हो सकता है क्या कि आप वो पक्का हाउस होगा या इधर कच्चा हाउस होगा। तो आप यू कैन कंसल्ट फ्रॉम देम एंड राइट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पीपल आर गिवेन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डू दे, यानी कि लोग जो काम करते हैं जिनका जो ऑक्यूपेशन है उनके हिसाब से उनका नाम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड इज कॉल कारपेंटर, यानी कि जो लोग लकड़ियों के साथ काम करते हैं उनको कारपेंटर कहते हैं। तो हियर इज अ क्वेश्चन, इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड, यानी कि आप जिस जगह पर रहते हैं और वहाँ के लोग जो लकड़ियों के साथ काम करते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं। तो ओब्वियसली आप कारपेंटर ही कहते हैं या बढ़ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल, हियर इज द पिक्चर, यू हैव टू सी दिस पिक्चर्स एंड देर आर मेनी टेबल्स, यू हैव टू फिल द टेबल्स अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर वॉट काइंड ऑफ वर्क इज डन बाई डिफरेंट पीपल हियर, यानी कि यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आपको देखने को मिला। लेट्स यूज ब्रश, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है, ही रिपेयर्स इलेक्ट्रिक वायर्स,
ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए, आपको फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा लेस यूज ब्रश, प्लम्बर ही फिक्सेस पाइप। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको लेबर को देखने दे, ही कैरीज सैंड सीमेंट इन पैंस। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास आपको देख रहे हैं यहाँ पे आपको ब्लैक स्मिथ भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। नाउ देर आर मेनी टेबल्स, वी विल डू टेबल्स इन द कमिंग वीडियो। ठीक है, लेट्स डू अनदर क्वेश्चंस। हियर इट इज ब्लैक स्मिथ को सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ब्लैक स्मिथ को यहाँ पे देखिए। ब्लैक स्मिथ का क्या काम होता है? ही फिक्सेस द आयरन रॉड्स और ही कटेस द आयरन रॉड्स। ठीक है, तो ऑल दिस थिंग्स माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ओवर फॉर टुडे एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।